मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने के नाम पर अंबिकापुर में एक छात्रा की मां से 10 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है और जिसकी शिकायत पीड़िता ने मणिपुर पुलिस सहायता केंद्र में की थी। पुलिस के अनुसार बौरीपारा निवासी पीड़िता की बेटी पिछले साल मेडिकल की परीक्षा में असफल रही थी, तभी रायगढ़ महाराष्ट्र के ग्राम खारहार निवासी एक ठग ने तालेगांव MIT पुणे में बेटी का दाखिला कराया। 60 लाख रुपए के एवज में कराने की एडमिशन बात हुई थी। एडवांस के तौर पर महिला ने ठग निखिल और छगाड़ी के खाते में 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए थे और इसके बाद मेडिकल कॉलेज की दाखिला प्रक्रिया खत्म हो गई, लेकिन बेटी को पुणे के कॉलेज में दाखिला नहीं मिल पाया और इस पर ठगी की गई पीड़िता के आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। अपने दूसरे के समूह में आधार कार्ड और पैन कार्ड वगैरह भी उनके पास भेजा था। भरोसा करके इन्होंने उनके खाते में 10 लाख रुपए RTGS के माध्यम से डाल दिए थे। फिर इनका जब सिलेक्शन नहीं हुआ तब इन्होंने पैसे वापस उनसे मांगे, उसे उन्होंने टाल मटोल किया, उसके बाद फिर इन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया। मध्य प्रदेश के